नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नया रेसिपी में। अक्सर हमारे घरों में जो है ब्रेड के एक दो पीस बच जाते हैं, तो चलिए बचे हुए ब्रेड से हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के आलू को जो बारीक वाली ग्रेटर होती है ना उसकी मदद से इस तरह से ग्रेट करके दे लिए है। आप देख सकते हैं आलू जो है खिले खिले और इसके साथ ही ये बिल्कुल ही स्टार्च वाला नहीं है क्योंकि हमने आलू को ग्रेट करने के हाथों हाथ ही पानी में डालकर रखते हैं। इससे आलू में जो स्टार्च होती है ना यानी मार की तरह होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से आलू बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग अलग हो रही है यानी कि खिले खिले है। तो आलू को अगर आप थोड़ी देर बाद में इस्तेमाल करें तो फिर आप उसे पानी में डालकर रखें, इससे आलू काला नहीं पड़ेगा। एक मीडियम आकर के प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइस में काट लिया है। साथ में हमने यहाँ पे थोड़ा सा पत्ता गोभी को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है। आप मेरे पास यहाँ पे यूज करने के बाद में चार पीस जो है ब्रेड बच गई है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से तोड़ कर डाल देनी है। वैसे ब्रेड ना पानी में जब मिक्स हो जाता है तो उस टाइम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो आप चाहे तो इसे वैसे बड़े बड़े टुकड़ों में डाल सकते हैं, इसे छोटे करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक चम्मच हम यहाँ पे अजवाइन ले लेंगे, अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसके साथ ही इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अजवाइन को मसल कर डालें, इससे ऊपर का छिलका हट जाएगा जिससे रेसिपी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। स्वाद अनुसार नमक, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मैं यहाँ पे दरदरा कुटी हुई लाल मिर्ची ले रही हूँ, दो से तीन हरी मिर्च को बारीक काट कर ले लिया। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो फिर मिर्ची आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। चटपटा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधे चम्मच चाट मसाला, आप चाहे तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाली कटी हुई हरा धनिया, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक इंच अदरक को ग्रेट करके ले लिया है। साथ में हम यहाँ पे लेंगे दरदरा कुटी हुई 10 से 12 लहसुन, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन, अब हमें इनमें से जितना आवश्यकता पड़ेगी उतना ले लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आधे कप डाल रही हूँ और बाकी का जो है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ले लिया और थोड़ी मात्रा में डालते रहेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह के हमें जो है मिश्रण बनाकर तैयार करनी है, ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज्यादा टाइट है। हमने इस मिश्रण को लगाने के लिए यानी इस डो को तैयार करने के लिए 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो अगर कभी आपका मिश्रण बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो फिर आप इसमें 2 पीस ब्रेड का डाल दें चूरा बना के, या फिर आप इसमें 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है तो फिर आप इसमें थोड़ी मात्रा में 2 चम्मच पानी ऐड करके इस मिश्रण को जो परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जी, इधर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, हमारे तेल जो है गर्म हो चुके हैं। तो अब इतना सा मिश्रण ले लेंगे, उसके बाद में इसे इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए सिलेंडर शेप दे देंगे और इसे धीरे से डाल देंगे। हमें स्नैक्स को डाले हुए लगभग मीडियम गैस पर 1 मिनट हो चुकी है, तो चलिए एक बार हल्के हाथों से पलट देते हैं। तो जी, आप देख सकते हैं 1 मिनट में जो है एक साइड अच्छे से बादामी कलर हो चुकी है। इस नाश्ते को हमने अलट पलट कर 3 से 4 मिनट तक मीडियम गैस पर फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे नाश्ते का जो कलर है कितना प्यारा कलर आया है, यानी हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल ही बादामी कलर का हो चुके हैं। दोस्तों, बचे हुए ब्रेड से आप भी इस तरह के टेस्टी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन नाश्तों को जो है उतार लेते हैं और सेम तरीके से सारे नाश्तों को फ्राई कर लेते हैं। तो जी, बचे हुए ब्रेड को फेंकने से पहले इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, टी टाइम या फिर चाय के साथ आप इसे जरूर ट्राई करें। बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब बनती है।